कुछ लोग ये बयान करते हैं कि ये वाक्य सही है, कुछ लोग कहते हैं ये इसमें हकीकत नहीं है। इमाम हुसैन सुल्तान की जब शहादत हुई है तो जाफर अज़ीम भी आए थे मदद करने के लिए। आप इस सिलसिले में क्या फरमाएंगे? और दूसरी बात ये कि बाकायदा नजर दी जाती है कि कोई कोई भी मसला पड़े, कोई मुसीबत हो तो जाफर अज़ीम की नजर देनी चाहिए, उस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। जी, जब ना करबला में जब शहादत का वक्त हुआ तो हजरत जाफर अज़ीम आए हैं और मदद के लिए कहा कि आप कहें तो मैं लश्कर को तबाह कर दूं, ये वाला जो मौजू है वाइज़ काशफी ने इसको ज़ाहिरन ज्यादा मशहूर किया है और इतना ज्यादा जो है वो इस्लामी यानी सॉरी जो रिवायात के हिसाब से बहुत ज्यादा ये मुसद्दका नहीं है। अच्छा। मखसूसन इस वाक़े के उन्वान से, लेकिन इसमें शक नहीं कि जिन आइमा अलैहिस्सलाम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्टेक्ट में थे उनकी इताअत करते थे और सूरह जिन जो है वो इसी उन्वान से है। नहीं तो कबला ये हमें मुख्तलिफ जगह सबूत तो मिलता है ना, मस्जिद कूफा में जो अजदहे वाला दरवाजा है वहां भी। जी, वही हम कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिन कांटेक्ट में थे उनके पास हिदायत के लिए आते थे और ये हादी और इमाम और हुज्जत खुदा जिनों के लिए भी थे। हजरत अली की जंग भी तो कुएं में हुई थी जिनों से, वो जाहिर है कि वो जिन थे कि जो मुखालिफ थे। इसी तरह से कुरान मजीद में इंसानों और जिनों को मुखातब किया गया है, सकलैन कह के जो है वो इंसानों जिनों को मुखातब किया गया है, तो जिनों का इनकार तो नहीं है, लेकिन असल बात वही है कि इतना इसको आगे बढ़ा देना, मिसाल के तौर पर गाड़ियों के जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो जिनों की वजह से हो रहे हैं और अपनी गाड़ी हम चेक ना करें, तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो इस वक्त का इल्म है उसे भी इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात हैं। जब मैं खानसार में था 89 में, खानसार जो है समझे एक हिल स्टेशन है इस्फहान का, तो वहां हमारा मदरसा था, तो एक दफा खुद मुझे रात को महसूस हुआ था जैसे कोई मुझे बांध सा रहा है, मसल ऐसे कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, तो मैंने सोते में ही जो है उसको एक गुस्सा मारा और कहा कि तू मुझे डराता है जो अल्लाह की बारगाह से निकाला हुआ है, यानी मुझे जहन में यह था जैसे कि शैतान रुच कर रहा है अल्लाह। और तो उसमें सोते में ही मैंने कहा तू मुझे डराता है जो अल्लाह की बारगाह से धुतकार के निकाला गया है, मुझे आके डराता है। तो मैंने सोते में ही जो है एकदम से, अब तक मुझे याद है कि मैंने हाथ भी चलाया, उसमें आग भी खुल गई थी और उस वक्त मैं यही देख रहा था। इसी तरह से एक और दफा ऐसा हुआ जैसे कोई पांव हिला रहा है, तो मैंने आयतुल्लाह तकदीरी से खुद सवाल किया कि इस किस्म का बाज दफा होता है, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से चल रहे थे इस तरह से, उन्होंने कहा हाँ हाँ जिस तरह से बिल्ली सामने से गुजर जाती है, जिस तरह से जानवर सामने से गुजर जाते हैं, तो इसी तरह से बाज दफा जो है वो जिन भी इंसान को तंग कर देते हैं। इसी तरह से रिवायात में है कि घर में मिसाल के तौर पे कबूतर पालें, मुर्ख पालें, और वहां पर एक उसका जो सबब बयान किया है, एक तो है उसके समझे परों की बरकत का, ये वो खुद एक बड़ा तफसीली मौजू है और आपसे दो चार दिन पहले डिस्कशन भी हुआ था कि बत्तख के परों की बरकत, मुर्गी के परों की बरकत और कबूतर के परों की बरकत, ये पूरी इसके बारे में रिवायात हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके परों के अंदर कुछ इस किस्म के अज्जा हैं कि जो बैक्टीरियाज को या वायरसेस को खत्म करते हैं। नहीं तो खाली पर रखने से काम हो जाएगा, मुर्गी ना पाले, कबूतर ना पाले, बत्तख ना पाले, खाली पर रख ले उनके लाके। नहीं, उसका जिंदा होना, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर एक जिंदा किस्म की ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, जो पर फड़फड़ाए उस वक्त की बरकत, उसका फायदा है। पर का नहीं है बल्कि पर फड़फड़ाने का फायदा है, पर फड़फड़ाने में इसका जिक्र है। वो आपने किस्सा भी सुनाया था किसी भी बात जी, जी। तो उसी सिलसिले में रिवायात में है कि उनको पालो ताकि जिनों के बच्चे तुम्हारे बच्चों को या घर वालों को तंग ना करें। क्या बात है, क्या बात है। तो यहां से पता चलता है कि बिल्कुल मॉडर्न हो जाएं, चीजों का इनकार करें, ये भी सही नहीं है। बिल्कुल जो है वो इंडियन कल्चर में चले जाएं, ब्राजील के कल्चर में चले जाएं, मैक्सिको कल्चर में चले जाएं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि अच्छा यहाँ बनाने वाले मौजूद हैं। तिबला, यहाँ जो घर होते हैं जैसे दो कमरों का घर है, वहां कहाँ पालेगा इंसान कबूतर या क्या कहाँ पालेगा बत्तख? बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ, अच्छा पालते भी है तो फिर सिटी वालों की इंस्ट्रक्शन होती है कि ये ना पालो वो ना पालो, तो सूरह जिन पढ़ने से मसला हल हो सकता है रोज अगर तिलावत? सबसे जो बेहतर चीज है वो तो बिलाशक सबसे बेहतर जो है वो
या जो खुदावन तबारक बताला है सबसे बेहतर, इसमें खुदावन तबारक बताला है, जिक्र खुदावन तबारक बताला है। इसमें जो सबसे अहम चीज है कि जो रिवायतों में जिक्र हुआ और हजरत आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी दामाज़ुल्लाह जो भी ताकीद फरमाते थे कि 5 दफा सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, 5 दफा शाम। सुबह से मुराद है डे टाइम में और शाम से मुराद है कि रात को किसी वक्त भी सनसेट के बाद। अब अगर किसी को याद आया है सुबह 5 फजर के बाद तो भी सही है, वरना 8 बजे 9 बजे दोपहर को 2 बजे 3 बजे तो 5 दफा आयतुल कुर्सी पढ़े। इसी तरीके से 6 दफा जो है सूरह तौहीद पढ़े, वो किस सूरत में कि 1 दफा सूरह तौहीद की तिलावत करे और आगे फूके, उसके बाद सूरह तौहीद की तिलावत करे तो पीछे फूके, तो 6 सिमतें बनती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट ऊपर और नीचे, तो 6 दफा सूरह तौहीद की तिलावत करे। इसी तरीके से एक अहम तरीन चीज के जिसको कहा ही कुरान में सूरह नास को और सूरह फलक का जो दूसरा नाम है वो है मुअव्वज़ातैन। वाह वाह वाह। और वहां पर जिक्र ही यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्वसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो उसमें पनाह का जिक्र है, अऊज़ु व नऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, नऊज़ु हम पनाह मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो वहां पर भी वही है। इन दोनों सूरों को कहा गया है मुअव्वज़ातैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो सूरतों के जरिए से इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अब यहाँ पर अरबी में अगर कहा जाए तो तावीज़ फरमाते थे। तावीज़ फरमाते थे क्या मुराद, यानी उनकी हिफाजत फरमाते थे, हिसार में उनको हिसार में रखते थे, उनको अल्लाह की पनाह में देते थे। सही।